अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ग्रीन पुलाव बिरयानी की रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और अब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए चाहिए आपको हरा धनिया एक गड्ढी, पुदीना एक गड्ढी, हरे मिर्चें 4 से 5। और अब तीनों चीज़ों को ब्लेंडर में डाल के अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेंगे और ग्रीन कलर का स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। और अब एक पॉट में 1/2 कप ऑयल ऐड करेंगे और अब मैं इसमें अपना गोश्त ऐड करूँगी, बीफ का। मैंने 1/2 किलो लिया है। और अब इसमें साबुत गरम मसाला ऐड करेंगे, जिसमें 1 तेज़पत्ता, 4 लौंग और 8 काले मिर्ची ऐड किए हैं। गरम मसाला ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। तीन से चार मिनट फ्राई करने के बाद इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून काला ज़ीरा, 1 टेबल स पून लाल मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। सभी मसाले ऐड करने के बाद 7 से 8 मिनट तक फ्राई करेंगे। बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और अब इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून भुना कुटा धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून सौंफ का पाउडर, 1 टेबल स्पून काले मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। और अब इसे भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको लगे कि पानी की ज़रूरत है तो आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। और अब इसे अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 कप दही और ग्रीन वाला पेस्ट, जिसको हमने हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्ची ऐड करके ब्लेंडर में ब्लेंड किया था। दोनों चीज़ ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून बिरयानी मसाला, आप इसकी जगह बिरयानी एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं। और अब गोश्त गलने तक के लिए ढककर पकाएंगे। गोश्त गल चुका है, अब इसमें मैं पानी ऐड करूंगी। पानी ऐड करने के बाद बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे। और अब बॉयल आ चुका है, तो अब मैं इसमें ऐड करूंगी चावल 1/2 किलो। और चावल ऐड करने के बाद को 7 मिनट तक के लिए ढक के पकाएंगे, या फिर जब तक पानी खुश ना हो जाए। पानी खुश्क हो चुका है। अब मैं इसमें जर्दे का रंग, गोल्डन ब्राउन प्याज, कट लगी हुई हरी मिर्चें और स्लाइस कट हुआ हुआ नींबू ऐड करूँगी। और लास्ट में इसमें ऐड करेंगे पुदीने की पत्तियाँ। और अब मैं इसे ढक कर 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर दम दूँगी। और 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि मेरी पुलाव बिरयानी एकदम रेडी है। अब आप इसे अच्छे से प्लेटर में सर्व करें। बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनी है और फ्लेवर बिल्कुल डिफरेंट है। ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें।